Oh,
जब आओगी तो मेरी दादी
दादी मारा करा आ गई अगर अपने बाबू मांगी तो अपन जाना देवांगा के दोबारा जाना देवांगा के ये करेंगे हेलो हेलो पकड़ के बैठ जा हेलो एक बार हेलो दादी हो दादी आ जा अब आ जा मैया हो मैया आ जा अब आ Thank you.
संजय भैया हेलो हेलो थोड़ा सा रिवर्ब दे दे भाई हेलो 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 चिक चिक हेलो थोड़ा सा कर मैं इसको थोड़ा सा कर हेलो 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 थोड़ा मच हेलो चिक चिक थोड़ा बोल कर दे इको थोड़ा कम कर हेलो हेलो चिक चिक हेलो 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 कौन सा खतरनाक कंजूसी कर रहे हैं कि बड़ी आवाज ऐठी नहीं होती है इसे लो दादी मैं दिल से प्रार्थना करो कि जोश भरो और एक बार जोरदार जय करो बोले रानी सती दादी की सुन भाई बारह हो गई बताता हूँ आपको देवघर के भक्तों की आवाज लगता है आपने सुनी नहीं है क्योंकि देवघर के भक्तों की आवाज की मिसाल दी जाती है कि अगर गर्जना है तो देवघर वाले भक्तों की तरह गर्जो बोल रानी सती दादी की सुन लियो सुन लियो अटा गेट तक आई आवाज गेट तक आई तो गेट तक आई शहर में दादी जी दर्शन देने के लिए आई है रोज हम जाते हैं झुंझुनू ये इच्छा करके जाते हैं कि दादी के दरबार में जाएंगे कुछ मांग कर लेकर आएंगे कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि आज दादी जोर के रूप में आपके घर में आए हैं आपसे मिलने के लिए आए हैं अब एक बड़ी प्यारी सी वंदना सारे मिलकर एक बार गाएं देखिए मेरी कोशिश ये है इस ज्योत यात्रा में जितने भक्त मिल रहे हैं उन सबको दादी जी के चमत्कार दादी जी के बारे में दादी के झुंझुनू धाम में भक्तों का कैसे कल्याण हो रहा है उसके बारे में बताना और शिष्य ये निरंतर चलती रहेगी ताकि जो दादी भक्त दादी जी की कृपा से अनजान है उनको दादी की कृपा मिलती रहे ये एक छोटा सा सवाल बड़ी रानी सती दादी की बातचीत करने वालों की थोड़ी देर बिल्कुल बात मत कीजिए क्यों मेरी बातें सुनिए ये बताइए दादी के दरबार झुंझुनू कौन कौन जाते हैं आहा क्या बात वाह वाह देवघर में तो देखकर दिल खुश हो गया कि अब लगता है कि महादेव की नगरी में शिव की नगरी में शक्ति का आज जो संगम हुआ है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जहां शिव है वही शक्ति है क्या बात
अब मुझे लगा आप लोग जाते हैं, अब दादी के दरबार में जो जाते हैं वो ये बताइए दादी जी के दरबार में आप क्या सोच कर जाते हैं? दर्शन करने जाए बिल्कुल। दीदी ने बड़ी अच्छी बात बोली, क्या एक किसी ने बोला अभी माँ के पास जाते हैं, किसने बोला? इन्होंने बोला कि माँ के पास जाते हैं, और माँ का घर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए माइका, और मारवाड़ी में पीहर, दोनों चीजें। तो माइके में जाते हैं माँ के पास, पीहर में जाते हैं माँ के पास। आज आपकी माँ पीहर से आपसे मिलने आए, अब कौन कौन स्वागत करेगा ये आपकी इच्छा। लेकिन इस पूरे जोत यात्रा में एक चीज याद में रखिएगा कि ये भजन मैंने उन्हीं बेटियों के लिए बनाया है जो दादी जी की सेवा निरंतर करती है, और उनको ये एहसास है कि हम दादी के झुंझुनू धाम इसलिए जाते हैं क्योंकि पहले लाइन सुनिए फिर समझदा रिफ्लेक्ट कर जाओ, रिफ्लेक्ट कर जाओ। के इब तो काम काज में भारो यो मन ना लागे, इब तो यो मन को लागे, वो दादी पीहर जैसो थारो झुंझुनू धाम, वो दादी जो दादी के दरबार में जाते हैं ये सोचकर कि दादी मैं अपने पीहर में आई हूँ, और आज दादी पीहर से आपसे मिलने के लिए आई है, आज दोनों बातें एक साथ, एक हाथ दादी के लिए दूसरा हाथ अपने परिवार के लिए मिलन कराते हुए एक साथ, एक दो तीन ये अब पीहर में क्या क्या होता है
आप लोग जाते हैं ना अपने पीरियड, तो वहां जाकर क्या होता है आपके साथ? पहले बात तो ससुराल की सारी चिंता छोड़कर पीरियड जाते हो, जाते हो कि नहीं? पक्की बात है ना? तो झुंझुनू भी जब जाते हैं तो इस दुनिया की सारी चिंताएं छोड़कर जाते हैं। बोले जो सी ये क्यों जासी, माँ का घर जाना है और आशीर्वाद लेकर आना है। आइए एक बार दोनों हाथों को खोलकर ये जगत जननी आज आपके घर में आइए, इनको बताइए तो सही कि आपको झुंझुनू धाम पीहर क्यों लगता है। दोनों हाथों से तालियां बजा के एक साथ, एक दो तीन ये चार। सबसे जल्दी दूर हो जाती है क्या? महाराज जी को काम कर सो, अभी सोनो है तो सोसू, सेवा करनी है तो सेवा, सही बात है कि नहीं? तो देखिए मेरा चेहरा मत देखिए, सही बात है तो गाइए। मन की काटू जा झुंझुनू में, कोई ठाठ बाठ में मारे कमी न लागे, कोई ठाठ बाठ में मारे कमी न लागे। ओ दादी दादी पीहर जैसो तारो, ओ दादी आप बताइए ईमानदारी से किसको पीहर के जैसा लगता है? जैसे सबको लगता है, आपको तो लगता है पीहर ही है आपका, क्या बात। मैं कहता हूँ दादी की हर उस बेटी का पीहर है झुंझुनू धाम जो माँ की सेवा करती है। दादी की हर उस परिवार का है झुंझुनू धाम जो माँ की रात दिन सेवा करता है और उसे बोलने में संकोच नहीं। मैं तो कहता हूँ दादी से, प्रार्थना करता हूँ दादी बेटे को जन्म नहीं देकर बेटी को जन्म देती, मैं भी बोल दे तो मेरे पीहर है। बेटा ने जो मौका थोड़ी मिले पियर बोलने को, है कि नहीं? बेटियां ही बोल सके मेरे पियर है, बेटा तो घर में ही रहे। एक बार तालियां बजा के बोलो एक साथ, वो दादी पियर जैसो, सीधा बजाना दादी। ओ इब तो काम काज में मारो यो मन ना लागे, इब तो काम काज में मारो यो मन ना लागे। ओ दादी पीहर जैसो तारो झुंझुनू राम लागे, दादी पीहर जैसो तारो झुंझुनू राम लागे। अब बोलिए प्रेम से बोलो सारे बोलो, अरे आधा बोलिया और पूरा बोलो। पहले बात मेरे मन की बात आपसे पूछता हूँ, उसका जवाब दीजिए। पीहर में जाकर आप लोग क्या करते हैं? सबसे पहले अगर माँ से आपका मिलना हुआ पीहर में जाने के बाद, तो आपका काम क्या है?
सबसे पहले धोख दे हो, धोख दे हो तो दर्शन करो, धोख दे हो बिल्कुल। अपने परिवार में भी जाते हो तो सबसे पहले धोख देते हो, उसके बाद हेलो हेलो हाँ ये बात बोलती भाभी, बोले मन की बात बोला, शासन में योग करके आई, मेरी ननद बहुत चौकी है, क्या बात है, ये तो चलता है, ये चलता है। तो दादी करने में जावा तो सब बाल तो पड़ा ही पड़ो, सब कुछ बोला, बोला कि नहीं, बेटी पर जब हाल बताऊं, गोदिया में माँ के अया लागे जइया बैठी, गोदिया में माँ के दादी पीहर जैसो थारो, दादी पीहर। अब जिसको पीहर लगता है अपनी सेवा करना, मेरी तरफ मत देखो, मेरी तरफ मत देखो, मैं तो खुद चाहता हूँ कि दादी अगले जन्म में पीहर ही बना दीजिए, बेटी बना के पैदा करें और पीहर बना दिए, एक बार दोनों हाथों को खोल कर तालियां बजा के एक साथ एक दो तीन ये चार। शहर में आ गए हो, झूठ वाली दादी,
उसके पीछे एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बाबूजी का पूरा साथ नहीं होता तो शायद ये मौका हमें नहीं मिलता। आइए मैं अनुरोध करूंगा यहाँ के पानी में मट्टी में पला हुआ है। मैं यहीं का एक जीव हूँ। आज यहाँ आकर के हमने जो देखा वो आए बिना विश्वास नहीं होता। क्यों? आप महिलाओं में, नारियों में जो उत्साह देखा हमने देखा, हमारे घर की बहू बेटी बनने बच्चे बिना चप्पल बिना जूते के नंगे पांव 4 किलोमीटर और पूरे रास्ते में कंकड़ पत्थर काटते, इसकी परवाह किए बिना ये
घूम करके नाचते रहते माई की ज्योति के साथ आए ये देख के मैं तो माई के सामने जी सब झुकाता हूँ आप लोग के सामने भी सर अब मुझे पूरा विश्वास हो गया ये मंदिर की जो प्रोजेक्ट है इतना दिन से बिल्डिंग पड़ी हुई है आज हमने आपस में बात कर ली है कि जितना जल्दी हो इसको पूरा किया जाएगा और मैंने ये भी तय किया है कि नारी शक्ति उनकी भक्ति से होती है घर के पुरुष जो हैं वो समय नहीं दे सकते माँ की गरिमा दादी की गरिमा मान मर्यादा हमारी घर की बहू बेटी वही समझती है वही जानती है और वो हमारा गौरव है हमारे घर की शान है हमारे परिवार की शान है हमारे समाज की शान है तो आप इतना जो आप लोगों ने इतना उत्साह दिखाया माँ के लिए भक्ति दिखाई तो माँ आपको उतनी शक्ति देगी जिसमें आपकी भक्ति और बढ़ेगी और ये मैंने ये भी तय किया है कि नारी शक्ति के बराबर कुछ नहीं है तो कमेटी जो बनेगी उसमें नारियों को भी चुना जाएगा और उनका भी उसमें बोलबाला होगा और अंत में ये है कि मुझे लाचारी में मुझे जाना पड़ेगा रात में क्योंकि मैं एक डेली जो कुली मजदूर होता है उस तरह को मैं हाईकोर्ट में वकालत करता हूँ जिस दिन मैं हाईकोर्ट में खड़ा नहीं होऊंगा उस दिन जो है मुझे रोजी रोटी नहीं मिलेगी तो माई ने जो है ये कहा है तुम ये भी काम करो वो भी काम करो तो मैं किसी तरह एक दिन की छुट्टी लेके आया और मैं आज रात में चला जाऊँगा पर मैं आऊँगा एक बार नहीं बार बार आऊँगा और आप लोग के दर्शन करने आऊँगा आप लोग मैं इतनी बड़ी भक्ति की वजह से मुझे भी प्रेरणा मिल रही है और आप लोग का समर्थन होगा इस भक्ति का तो हम समझते हैं कि ये मंदिर जो है बहुत जल्दी तैयार होगा और झुंझुनू से हमारे भाई आए हैं वो प्रेसिडेंट है रानी सती मंदिर के देवेंद्र झुंझुनू वाला कहाँ है आइए आप आइए देवेंद्र जी झुंझुनू वाला को बुलाइए वो हम लोगों ने यह तय किया है कि वहाँ से पताका आएगी माई की ध्वज झंडा आएगा ईट आएगी और वहाँ से बनारस से बहुत बड़े पंडित आएंगे और उस समय प्राण प्रतिष्ठा होगा वो तारीख तय की जाएगी जब हम हमारे सामने ये जाहिर हो जाएगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट हम इतना दिन के अंदर कंप्लीट कर सकें तो आपको बाद में बताया जाएगा दूसरी बात ये कि हमने कहा है देवेंद्र चला गया अच्छा देवेंद्र जी चले गए कोई बात नहीं है तो मुझे ये कहना है कि हमने ये तय किया है कि आप लोग जितने भी इसमें शामिल हुए हैं सबके नाम सबका ठिकाना हमको वो यहाँ से कलेक्ट करके देंगे प्रेमजी सिंघानिया हैं बाजला जी हैं और बाकी और जो है वो देंगे मैं एक सबके नाम है एक पत्र भेजूँगा यहाँ यहाँ पे लगाया जाएगा कि आप लोगों ने यहाँ शामिल होकर के उत्साह दिखा के शोभा यात्रा को मैं शामिल होकर आपने गौरव जो है मान सम्मान समाज में बढ़ाया और इस शहर की जो है मैं ये स्थान जो है व्यवस्था है और इसके यहाँ में नतमस्तक हूँ और मैं इसे बहुत बहुत आभारी हूँ और ये आगे देवेंद्र भाई प्रेसिडेंट है रानी सती जी मंदिर मीनू के ये साथ आए हैं और ये साथ रहेंगे हमारे और ये इसका प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम है यही करेंगे यही बता देंगे कि किस तरह जो होगी
दर्जी बीमारी तो बस ये सभी दादी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। मेरा सौभाग्य है कि निरंजन भैया के आदेश से मैं आप सबके बीच में यहाँ उपस्थित हो पाया हूँ। मेरा कोई कार्यक्रम नहीं था यहाँ आने का, लेकिन आज से सिर्फ 4-5 दिन पहले निरंजन भैया ने मेरे पुकार के पर हमारे साथ वहाँ चलोगे देवघर। मेरी असमर्थता थी झुंझुनू, हम लोग अब ये 9 संवत्सर का कार्यक्रम करते हैं वहाँ पे, जो ये 6 तारीख है, मेरे को वहाँ जाना था, लेकिन इन्होंने मेरे को इतना प्रेस किया कि मैं बात हो करके यहाँ मेरे को आना पड़ा। आज मेरा सौभाग्य है कि ये इतना बड़ा कार्यक्रम दिव्य ज्योति यात्रा का भारत भ्रमण, जिन मेरे साथियों ने इस कार्यक्रम को आरम्भ किया था, हमें ऐसा नहीं महसूस हुआ था कि इतना बड़ा सपोर्ट लोगों का रहेगा। गाँव में हम लोग जाएंगे और जाकर के इतना बड़ा सामाजिक सपोर्ट रहेगा, और जहाँ जहाँ मैंने देखी हैं क्लिपिंग्स, सब जगह जैसे पूरा गांव उमड़ पड़ा इस प्रोग्राम में। और वही स्थिति, क्योंकि अभी तक तो मैंने सिर्फ वो यूट्यूब और वीडियो क्लिपिंग्स देखी थी, लेकिन आज यहाँ प्रमाण है मेरे सामने। आज दिन में मैंने देखा इतनी धूप में महिलाएं जो हैं वो शोभा यात्रा में नंगे पांव चल रही थी। जब मेरे को पता लगा कि 3-4 किलोमीटर यात्रा होगी, तो मेरे साथ शायद वो सिंघानिया जी थे, मैंने कहा कि 3-4 प्रेम सिंघानिया जी, मैंने कहा ये इतनी धूप में क्या 3-4 किलोमीटर महिलाएं पैदल चलेंगी? बोला हाँ चलेंगी, उपाय क्या? और उसके बाद देखा कि सारी की सारी जो है वो पैदल बिना चप्पल जूते के चल रही थी। तो बिना डेडिकेशन के, बिना इतना श्रद्धा विश्वास के साथ ये काम नहीं होता है। तो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर, मैंने दिन में हम लोग वहाँ मधुपुर के कार्यक्रम में भी गए थे, जो स्वरूप यहाँ है ऐसा ही स्वरूप हमने वहाँ भी देखा था। तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ ये 65-70 गाँव में गए होंगे, ये स्वरूप सभी जगह ऐसा ही बना होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। निरंजन भैया ने कहा इस मंदिर के बारे में, मैं जब इस मंदिर की प्लानिंग हुई थी उस समय से भैया के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इसका कॉन्स्टिट्यूशन बना, हम लोगों ने मिल करके जो है प्रयास किया उसको बनाने का, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, इसका निर्माण शुरू हुआ, आर्किटेक्ट मैंने भेजा था अंजन वकील को यहाँ पे। बीच में मैं थोड़े दिन पहले आके गया, रमेश बाजला जी और प्रेम जी उस दिन मेरे को मंदिर दिखाने के लिए लेके आए थे, परंतु कुछ कारणवश इस मंदिर का डेट भी निश्चित हो गया था कि शायद 3 मार्च को या कब हम लोग इसकी जो है प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसका काम जो है वो रुक गया। बीच बीच में कुछ बाधाएं आ रही हैं। आज हम लोगों ने बैठ करके उसका भी निष्कर्ष निकाला है कि किस प्रकार से एक टाइम बम प्रोग्राम हम लोग हाथ में लेकर के दादी जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ करवा सकें। जो भी संभव प्रयास होगा हम लोग यथाशीघ्र इसको कम्प्लीट करवाने की चेष्टा कर रहे हैं। मेरा वचन दिया हुआ है निरंजन भैया को कि जब भी प्राण प्रतिष्ठा होगी मैं निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में यहाँ आऊँगा। झुंझुनू मंदिर से जो सपोर्ट मिलता है नए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, वो पूरा सपोर्ट आप लोगों के साथ है। आप लोगों की भावना की हम लोग कदर कर रहे हैं। नीचे शहर के बीचों बीच ऐसे सुंदर स्थान में इतनी कीमती जमीन जहाँ पे है उस जगह इस मंदिर का निर्माण हुआ है, निश्चित रूप से दादी जी की प्रेरणा और उनके आशीर्वाद के बिना ये कभी नहीं हो सकता। तो निरंजन भैया बहुत अग्रणी रहकर, रामचंद्र भैया जिन्होंने इस जमीन को जो है डोनेट किया था मंदिर बनाने के लिए, मेरा संपर्क रहा है रामचंद्र भैया से भी, तो ये परिवार निश्चित रूप से धन्यवाद का पात्र है जिन्होंने इतनी कर्मठता के साथ, इतने डेडिकेशन के साथ इस मंदिर की योजना अपने हाथ में ली है। और हम लोग बहुत शीघ्र, आज हम लोगों ने दिन भर इस विषय में जो है बात की है, जितनी जल्दी हो सकेगी इसकी हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ, मैं आप लोगों के बीच में यहाँ उपस्थित हो पाया, जो मान सम्मान आतिथ्य मुझे मिला है उसके लिए मैं आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। बोलिए श्री रानी सती दादी की। दो बातें और बोलना चाहता हूँ, दो बातें और बोलना चाहता हूँ। एक तो ये मंदिर जो है किसी व्यक्ति विशेष, किसी परिवार विशेष का नहीं है, ये पूरे शहर वासियों का, और इसमें आपका उतना ही अधिकार है जितना मेरा है। दूसरी बात ये, यह सिर्फ माई की सेवा पूजा और दर्शन के लिए नहीं है,
यह माइक की सेवा पूजा और दर्शन के लिए सिर्फ नहीं है, यहाँ हमारा प्रोग्राम है कि छोटे छोटे जो बच्चे हमारे हैं समाज के, उन लोगों के लिए छुट्टी के लिए शनिवार को, रविवार को, दोपहर को 3-4 बजे के बाद 1-1.5 घंटा कुछ क्लासेस होगी, जिसमें मैं हमारी घर की दो बेटियाँ माँ बहनें उनको मैं बुलाऊँगा, यहाँ के जो भाई लोग हैं और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं और जो यंग जनरेशन है उनको बुलाऊँगा, जो कि उनको कुछ भी सी सी बातें बता सकें। एक योगा उसमें जरूरी होगा, दूसरा एक अंताक्षरी होगा, तीसरा उनको एक तो अपना व्यक्तित्व निखारने के लिए वो जो पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनलिटी डेवलपमेंट, इसका मतलब 5 आदमी 10 आदमी बीच में बोलने का हिया हो, संकोच नहीं हो, जिससे कि वो जब आगे बढ़ेंगे और अपने जिंदगी में प्रवेश करेंगे करियर में, तो उनको दुनिया से लड़ने के लिए अकेले उनमें सामर्थ्य हो, तो वो उनमें वो कुशलता देने की चेष्टा करी जाएगी। तो हमारे बहुत प्रोग्राम है, बहुत प्लान है, वो हमने बना लिया है, तो हम आके आप लोगों के साथ बात करके बात बोलते आप लोग सुझाव होगा बोलेंगे, जो भी आप लोग घर की बहु बेटी बहन माँ बने जो भी शिक्षा की बात दे सकती है वो दीजिए, सिलाई का काम सिखाएंगे, यहाँ भोजन कैसे बनाया जाता है वो बताएंगे, हमें कोई म्यूजिक में कोई डांस में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए हम वो टैलेंट को देखेंगे, हम टैलेंट हंट करेंगे, और यहाँ शहर में हमारे समाज में, हमारे समाज का मतलब सिर्फ मारवाड़ी नहीं, जो भक्त समाज है जिनकी श्रद्धा है भक्ति है माई में, तो मैं समझूंगा वो हमारी शक्ति है, इसलिए उनको मैं आमंत्रित करूंगा और वो यहाँ आके योगदान करें, मैं किसी से रुपया नहीं मांगूंगा, और आप समय दीजिए, आप अपना जो भी योगदान कर सकते हैं, आपको जो जानकारी है आपको जो भी कुछ प्रश्न व्यक्तित्व को निखारने के लिए बच्चों के जो भी सीख दे सकते हैं, किस तरह माँ का बच्चे के साथ, पिता का बच्चे के साथ किस तरह रिश्ता होना चाहिए, जिससे कि वो संकुचित रह करके और उनके व्यक्तित्व को ऊँचा उठने में बाधा नहीं हो, इसके बारे में हम यहाँ पे कुछ बताएंगे आप लोग को सबको को। मैं 1961 में जब यहाँ से निकला था उस समय हमारे ऐसा था कि देवघर में जूता चप्पल पहनने का रिवाज नहीं था, बच्चों हम लोग बिना चप्पल और जूता के स्कूल जाते थे, क्लास 11 तक हम ऐसे पढ़े थे, और जब यहाँ से गए हम लोग रांची संजीवन से कलकत्ते, तो वहाँ माहौल देख के वो दंग हो गए, वहाँ लगा कि हम लोग दिखा थे गाँव के, पर अभी आज के दिन में देखता हूँ सभी जो इतने डेवलप हो गए हैं, सभी जो है इतने शांत शौकत से रह रहे हैं, तो समय बदल गया है, समय के साथ हम नई जनरेशन को भी नई पीढ़ी को भी आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा मंदिर के मार्फत इस चीज को हम कार्यान्वित करेंगे, ये हमारा जय जय चलिए रानी सती दादी की जय। श्री रानी सती फाउंडेशन कलकत्ता श्री दादी जी की दिव्य ज्योत को लेकर भारत भ्रमण के लिए 3 मार्च को अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, ये यात्रा आज 2 अप्रैल को 1 महीना वो पूर्ण हो चुका है, आज ये यात्रा 1 महीने की यहाँ बाबा की नगरी में है। अब हमारा जो उद्देश्य इस यात्रा का है वो श्री दादी जी की दिव्य ज्योति के रूप में घर घर में जाकर दर्शन करवाना एवं दादी जी का प्रचार प्रसार करना एवं जो भक्त दादी जी के सुरीर हैं उनको जगाना है। इस यात्रा के क्रम में जब हम यहाँ पर देवघर बाबा की नगरी में पहुंचे हैं, यहाँ के भक्तों ने जो स्वागत किया वह बहुत ही सर्वणीय रहा है, हम उनको धन्यवाद देते हैं एवं उनकी सराहना करते हैं।
श्री रानी सती माता रानी सती शक्ति दादी माता की सेवा सोसाइटी के ट्रस्टी एवं सदस्य जो भी हैं मैं उनको आमंत्रित करता हूँ एक उनको स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। नहीं भैया आओ सबको आओ भाई आओ ना इधर आइए ना महिला ना बुलाओ महिला समिति जो भी है वो दरबार में आए उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। आइए प्रीति चंदू आओ ये भैया जी है दरबार में आ जाए दूर ले जाओ थोड़ा एक बार कैमरा दूर ले जाओ दूर मैं दबा हुआ है भाई फोन लगाने यार देवघर से महिला समिति एवं दादी परिवार के जो भी सदस्यगण हैं उनसे अनुरोध है कृपया आप लोग जल्दी से जल्दी आगे आ जाएं। अभिषेक भाई देवघर के जो भी दादी परिवार के महिला समिति है हम एक प्रदान कर रहे हैं श्री हमारे साथ रामचंद्र जी धन्यवाद के परिवार वाले दरबार में हैं थोड़ा सा टपा दीजिए ये शहर के समस्त नगर वासियों को किया जा रहा है जो भी भक्त दादी के हैं महिलाएं दरबार में आमंत्रित हैं। हेलो ये दादी जी का एक स्मृति चिन्ह यहाँ के सारे दादी परिवार की जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं जो दादी जी की सेवा में दिन रात लगी हुई है उन सभी को ये दादी जी का स्मृति चिन्ह समर्पित किया जा रहा है हमारे एक बार जोरदार तालियां आप सभी मातृशक्ति के लिए। एक बार इधर सामने भैया का फेस नहीं आ रहा अंकल जी का भी फेस नहीं आ रहा थोड़ा सा अंकल जी आ रहा थोड़े इधर आ जाओ अभी जाना सामने देख भैया थोड़ा फ्लैट हो जाए थोड़ा आगे आ जाइए ना अंकल जी आप लोग आगे आ जाइए हाँ सभी बैठ जाएं अभी आपके बीच हमारी महिला समिति
ट्रस्ट की तरफ से एक बड़ी प्यारी प्रस्तुति घर के परिवार के सारे सदस्य मिलकर करने जा रहे हैं, उसका आनंद लीजिए। उसके बाद वचनों के माध्यम से श्री दादी जी को मिलकर झूम कर हम सारे मनाएंगे। संकल्प शाखा, संकल्प शाखा की ओर से दादी जी के श्री चरणों में बड़ी प्यारी प्रस्तुति। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। आप ये सुन रहे हैं दादी सेवक श्री संजय जी शर्मा जो हमारे साथ सौ माना की इस यात्रा में चल रहे हैं। श्री संजय जी शर्मा जिनका भजन आप सुन रहे हैं वो सौ माने की इस यात्रा में निःशुल्क सेवा हमें प्रदान कर रहे हैं। कृपया आप शांति बनाए रखें। दादी सेवक संजय जी शर्मा जिनका अपनी भजन सुन रहे हैं वो सौ महीने की इस यात्रा में हमें निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहे हैं। इनके लिए ताली बजा करके इनका मनोबल बढ़ाएं। इन्होंने इस यात्रा में एक बेड़ा ध्यान दीजिए जरूरी सूचना। इस यात्रा में इन्होंने एक बेड़ा और उठाया है। महीने में एक मंगल पाठ महीना में एक मंगल पाठ निःशुल्क करेंगे। जिनको भी करवाना हो वो हमारे फाउंडेशन से संपर्क कर सकते हैं। ये दादी जी आप लोग घर भाई माइक से